बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम करती हूँ आपको अपने व्लॉग में। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज हम सब मिलके बनाएंगे बहुत ही टेस्टी सा ब्रेन मसाला। तो मटन या बीफ कोई सा भी ब्रेन यूज़ कर सकते हैं और उसको साफ कर लेंगे। एहतियात के तौर पे मैं इसको बॉईल भी कर लूँगी। तो पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है और फिर पानी बॉईल होने के बाद ये मगज़ उसके अंदर शामिल कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे और 2 मिनट के लिए बॉईल करके पानी डिस्कार्ड कर देंगे और ब्रेन बिल्कुल रेडी है पकाने के लिए। फिर एक वॉक ले लेंगे या फिर एक पैन ले लेंगे, तवा भी ले सकते हैं। उसके अंदर 4 टेबल स्पून ऑयल गर्म करके 1 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस करके शामिल कर देंगे। इतना फ्राई करेंगे कि लाइट गोल्डन कलर की हो जाए। जब अनियन लाइट गोल्डन कलर की हो जाएगी तो 1 टेबल स्पून फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर देंगे और 30 सेकंड्स के लिए हम इसे सॉटे कर लेंगे। फिर ड्राई स्पाइसेस शामिल करेंगे जिसमें मैंने पिसी हुई लाल मिर्च, टर्मेरिक, कोरिएंडर पाउडर, क्रश करके क्यूमिन सीड्स लिए हैं और सॉल्ट डालेंगे टू टेस्ट। ड्राई स्पाइसेस शामिल करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और 5 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। और योगर्ट ली है मैंने 200 ग्राम और दही खट्टी नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे और स्लो फ्लेम करके हम दही शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको भी मज़ीद भूनेंगे। दही का पानी ड्राई हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए और अब मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है तो इसके अंदर ब्रेन शामिल कर देंगे। ब्रेन को मैंने पीसेस करके शामिल किया है और थोड़ी सी देर के लिए हम इसे भूनेंगे ताकि जो स्मेल होती है ब्रेन की वो ख़त्म हो जाए। हमारे घर में ब्रेन के थोड़े थोड़े चंक्स आने चाहिए, बिल्कुल मैश नहीं होता। तो अगर आपको बिल्कुल मैश पसंद हो तो आप इसको बिल्कुल मैश कर दें। मैं यहाँ पर इसको छोटे छोटे पीसेस कर रही हूँ क्योंकि मैश नहीं खाते हम लोग। तो आपको अगर पसंद हो तो आप इसको बिल्कुल मैश कर दें। और भुनाई करने के बाद मैं इसको ढक के पकाने के लिए रख दूंगी 10 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। और 10 मिनट के बाद ब्रेन अच्छी तरीके से गल चुका है। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी, 1 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करूँगी और थोड़ी सी अदरक जूलियन कट शामिल करूंगी, थोड़ी सी बारीक चॉप करके हरी मिर्ची शामिल कर दूंगी और 2 मिनट के लिए इसको हम मज़ीद दम पे रख देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ब्रेन मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम डिश आउट करेंगे और गार्निश करेंगे हरे धनिए, हरी मिर्च और अदरक से। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।